यमुनानगर पुलिस ने बाजार में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने जब उनकी चेकिंग की और पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे उन्होंने किए। पुलिस ने 6 आरोपियों से 13,66,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। गिरोह बाजार में इन नोटों को चलाता था। ये पूरा गिरोह पंचकुला से ऑपरेट किया जा रहा था। बता दें, यमुनानगर पुलिस ने एक ऐसे मामले को सुलझाया है जो लंबे समय से लोकल मार्केट में नकली नोट चलाकर अपना धंधा चला रहे थे। यमुनानगर की CIA 1 की पुलिस को सूचना मिली थी कि छछरौली के पास दो युवक बाइक पर नकली नोट लेकर निकलेंगे, तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। जैसे ही वो छछरौली के पास पहुंचे तो पुलिस ने नाका लगाकर उन्हें रोका और जब चेक किया तो दो आरोपियों से 91,000 के नकली नोट बरामद हुए। दोनों आरोपियों से जब गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि ये गैंग पंचकुला से ऑपरेट होती है, जिसके बाद पुलिस ने पंचकुला में दबिश दी और 4 आरोपियों को पंचकुला से उठा लाई। जब उनके ठिकानों को खंगाला गया तो वहां से 12,75,000 के नकली नोट पकड़े गए। सभी नोट 500, 200 और 100 के हैं। CIA 1 के इंचार्ज गुरमेश सिंह ने बताया कि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। ये लोकल लोग मार्केट में कभी 10,000 तो कभी 20,000 रुपये चलाते थे। इंचार्ज ने बताया कि मुख्य सरगना प्रभजोत साल 2023 में पहले जेल भी जा चुका है। पुलिस को उनसे लैपटॉप स्कैनर समेत कई सामान बरामद हुआ है। क्या कुछ कहते हैं गुरमेश सिंह इंचार्ज CIA 1, आइए आपको सुनवाते हैं। मामला क्या था जो नकली नोट का मामला सामने आया है? कितने नोट थे और कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार किए? कल हमारे को सूचना मिली थी कि अरुण उर्फ लुस्सी गांव अड़ौली और शाहरुख खान वासी लेदा खास जो नकली नोटों का सप्लाई करने काम कर रहे हैं और जो आज भी नकली नोट लेकर लेदी से छछरौली की तरफ जाएंगे। अगर शेरपुर मोड़ से आगे बलौली टी पॉइंट पर रोक कर चेक किया जाए तो इनसे नोट बरामद हो सकते हैं। उस सूचना के आधार पर हमने वहां पर नाकाबंदी की बलौली टी पॉइंट पर। वहां से इनको हमने मोटरसाइकिल सहित पकड़ा जो वहां पर अरुण के कब्जे से 51,000 रुपये के नकली करेंसी नोट और शाहरुख के से 40,000 रुपये करेंसी नोट बरामद हुए। फिर इन्होंने बताया कि ये नोट लेकर हम पंचकुला से एक परमजोत नाम का लड़का है उससे लेकर आते हैं, जो इनके आधार पर हमने वहाँ पंचकुला मौली जागराम रेड करी। वहाँ से भी हमारे को 12,75,000 रुपये के करेंसी नोट बरामद हुए, एक प्रिंटर लैपटॉप और अन्य सामान बरामद हुआ। उसमें हमने 4 व्यक्तियों को वहाँ से गिरफ्तार कराया। सर, क्या वो 12,75,000 भी नकली हैं? सर, वो भी नकली हैं। वो इन 91,000 में प्लस हैं या 91,000 से अलग हैं? अलग हैं। इसमें कितने लोग शामिल? सर, ये पहले भी अभी इसमें हमारे जो अभी तक की जांच में हमने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो अभी 3 नाम और बताए और बाकी तफ्तीश हम इनका रिमांड लेंगे, उसके बाद जो पूछताछ में सामने आएगी वो बता लेंगे। क्या पहले भी इनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है ऐसे नोट? जो ये परमजोत है ये पहले भी पकड़ा गया था 2023 में भी नकली नोटों में। उसमें ये कहाँ कहाँ चलाते थे नकली नोट? ये मार्केट में आम लोगों को सप्लाई। पहले कितना चला चुके नहीं? पहले ये यही सप्लाई आसपास, किसी को 10,000 दे दिया, किसी को 5,000 दे दिया, ऐसे करते थे।